अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हुसैन और इस वक्त मैं मौजूद हूं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, जो कि फार्मेसी की एक मेन ब्रांच है। आइए डिपार्टमेंट के अंदर चलते हैं और जानते हैं कि इस डिपार्टमेंट के फारिग तहसील तलबा और तालिबात किन किन इदारों में जाके अपना लोहा मनवा सकते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नौशीन मुश्ताक है और मैं अभी प्रेजेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को हेड कर रही हूँ। आपने जो ये पूछा है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फार्मेसी में उसका क्या रोल है, तो सिंपली जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है उसमें जितने सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं वो कैटर करते हैं केमिस्ट्री मेडिसिन की, और ज़ाहिर केमिस्ट्री अगर हम मेडिसिन की पढ़ेंगे तो डायरेक्टली उसका जो लिंक होगा वो पेशेंट के साथ ही, क्योंकि ड्रग का लिंक होता है। तो ये जो फील्ड है वो आपको ड्रग की जो केमिस्ट्री है और उस केमिस्ट्री का जो ताल्लुक उसकी डिस्कवरी और ऑप्टिमाइजेशन या डेवलपमेंट के साथ है, उसके ऊपर जो है वो फोकस करती है। अगर हमें ड्रग की केमिस्ट्री पता होगी तो हम ये जान सकेंगे कि ड्रग जो है वो किस तरह से बॉडी में एक्ट करती है। ना सिर्फ ये कि वो बॉडी में एक्ट करती है बल्कि बॉडी में उसको टारगेट साइट पे पहुंचने के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसका ताल्लुक जो उसकी ड्रग की केमिस्ट्री के साथ है वो हम कैसे जो हैं वो रिमूव कर सकते हैं या उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स को जो है वो अगर हम रिमूव करना चाहें या मिनिमाइज़ करना चाहें। इसके अलावा ड्रग की स्टेबिलिटी में भी उसकी केमिस्ट्री का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लिंक बनता है। हम ये जान सकते हैं कि जो ड्रग है उसकी केमिस्ट्री किस तरह से उसकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है और उसकी जो स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकती है, या फिर ये कि हम उस ड्रग की फॉर्मुलेशन में किस तरह से उस ड्रग की केमिस्ट्री के रेफरेंस से बेहतर फॉर्मुलेशन जो है वो हम बना सकते हैं। तो जो केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, वो ड्रग की डिस्कवरी से लेके, क्योंकि ड्रग के जो डिफरेंट क्लासेस हैं वो आपको उनकी अगर केमिस्ट्री पता होगी तो आप जाहिर है उसी हिसाब से जो है वो उसको स्टडी करते हैं, तो डिस्कवरी से लेके और उसकी ऑप्टिमाइजेशन तक जितने स्टेप्स आते हैं उनमें अगर आपको उसकी केमिस्ट्री अच्छी पता है तो आप सारे स्टेप्स को बहुत बेहतर तरीके से जो है वो आगे पूरा कर सकते हैं, उस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरा नाम जो है मुतीब अहमद है, मैं फिफ्थ ईयर प्रॉप का जो है वो स्टूडेंट हूँ और हमारा लास्ट सेमेस्टर है। अभी हम लोग की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की जो है वो लास्ट लैब है, तो इसमें इस ईयर की जो है मतलब 5 सालों की सबसे आखिरी लैब है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं स्यूटिकल केमिस्ट्री में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लैब जो है ये आपको रिसर्च में बहुत हेल्प आउट करेगी। कोई भी ड्रग है उसकी आपने स्टेबिलिटी चेक करनी हो, क्वालिटी अश्योरेंस कंट्रोल, सारी चीज़ें इस लैब में बहुत अच्छी तरीके से होती हैं। इस ड्रग की आप स्ट्रेंथ इस लैब में जो है आप उसकी ड्रग की स्ट्रेंथ वगैरह चेक कर सकते हैं, उसकी प्योरिटी चेक कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, उसकी एफिकेसी चेक कर सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक तो रिसर्च के हवाले से बहुत अच्छी है और इंडस्ट्रियल के हवाले से बहुत अच्छी है, और क्वालिटी और वैलिडेशन के लिहाज से भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की लैब बहुत अच्छी है। इसमें आपको सीखने में बहुत कुछ मिलता है और आपको जो है पीएचडी में बहुत काम आती है, और काफ़ी चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल आपको दो ड्रग्स का आपने ना सिमिलैरिटीज जो है वो देखनी है तो आप केमिकल स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, वो जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लैब के थ्रू होता है सारा। और इसमें ये भी है कि आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं, जैसे फार्माकोलॉजी है, फार्माकोगनोसी है, लेकिन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ये सीन है कि आपको जो है सबसे मेन चीज़ें मैंने आपको बताया इसमें क्वालिटी है, वैलिडेशन है, कोई भी ड्रग जो है कब तक जो है उसकी पोटेंसी रहेगी, कब तक उसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी रहेगी, तो ये चीज़ें जो सारी इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। बस मेरा नाम अफसर जाहिद है और आई एम अ स्टूडेंट ऑफ M.Phil स्टूडेंट्स डूइंग M.Phil इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। बेसिकली क्वेश्चन ये किया गया है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में M.Phil करने के क्या एडवांटेजेस हैं। अगर आप फार्मडी कर सकते हैं, फार्मडी में आप स्टूडेंट हैं तो आप इसके दो फील्ड्स आप जा सकते हैं, या तो आप इंडस्ट्रियल साइड पे जा सकते हैं या क्लिनिकल साइड पे जा सकते हैं। अगर आप फर्दर इसको परस्यू कर सकते हैं, अगर आप इंडस्ट्रियल साइड पे जा सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, अगर आप M.Phil फर्दर रिसर्च कर रहे हैं तो काफ़ी एडवांटेजेस हैं आपके लिए इसके लिए। अगर आप क्लिनिकल साइड पे जा सकते हैं तो आपको ग्रिप होना चाहिए, आपको फार्माकोलॉजिकल साइड पे ज़्यादा अच्छा आपको होना चाहिए। M.Phil अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कर रहे हैं तो आपके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं इसके, या तो आप रिसर्च साइड आपके जा रहे हैं तो आप डिफरेंट सिंथेसिस प्रोडक्ट के साइड पर जा सकते हैं, और या तो आप जो फर्दर ड्रग इंट्रैक्शन हैं आप किस तरह से एक ड्रग को दूसरे साथ ड्रग दे रहे हैं तो फर्दर उसकी कॉम्प्लिकेशन आ तो आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, आप फर्दर इनकी रिसर्च कर सकते हैं या एंटीबायोटिक साइड पर जा सकते हैं। तो एक वास्ट फील्ड है, आप इसके लिए डिफरेंट आपके फील्ड्स हैं, आप उसके ऊपर रिसर्च साइड पर जा सकते हैं। इन शॉर्ट आप
डिफरेंट इसकी रिसर्चेस आ रही हैं मार्केट में. आप फर्दर इंट्रैक्शन बेसिस स्टडीज़ कर सकते हैं, स्टेबिलिटी बेसिस स्टडीज़ कर सकते हैं कि आप किस ड्रग, कौन सी ड्रग है जो किसके साथ किस तरह से अफेक्ट कर रही है. डिफरेंट आप देख रहे होते हैं, डिफरेंट केसेस आ रहे होते हैं कि ये वाली ड्रग के साथ ये वाली इंट्रैक्शन हो गई है जिसकी वजह से डेथ्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं होती हैं. तो आप फर्दर इसके ऊपर एक वास्ट फील्ड है, आप किस तरह से कर सकते हैं, तरह से एक अच्छी फील्ड है, आप बहुत स्कोप है इसका. उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप नाज़रीन की मालूमात में इजाफा हुआ होगा कि किस तरह इस डिपार्टमेंट के पास आउट स्टूडेंट्स डिफरेंट फार्मा इंडस्ट्रीज़ में अपना किरदार अदा कर सकते हैं. अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अदनान हुसैन को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.